गाड़ी का है। ट्रेन नंबर 02190 नागपुर CSMT मुंबई तुरंतो एक्सप्रेस जो कि लॉन्च हुई थी ऑन 24 नवंबर 2009। और आज इस ट्रेन में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं नागपुर से लेकर मुंबई तक की पूरी जर्नी। और नागपुर से आपको बता दूं इसकी टाइमिंग क्या है, 8:40 पर रात में चलती है डेली, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:05 पर हम पहुँच जाएंगे CSMT मुंबई। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो आपको ये भी बता दें नागपुर जंक्शन पे ये ट्रेन जो है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है डेली, और अभी पहले से ही प्लेटफॉर्म पे लगी है। तो चलते हैं सीधा, पहले बोर्ड करते हैं ट्रेन को। तो ये रही आज अपनी सीट, अपर बर्थ है। तो चलो भाई पहले सैनिटाइजेशन कर लेते हैं। तो आज इस दुरंतो एक्सप्रेस के अपन 3rd AC में ट्रेवल करने वाले हैं, और आज तो यार गड़बड़ हो गई, मतलब अपन को मिली है अपर बर्थ, ये बहुत गलत चीज़ हुई। अब बार बार ऊपर से उतरना और चढ़ना। और खैर इस ट्रेन के स्टॉप्स बता दें, मात्र 2 स्टॉप्स हैं। एक यहाँ से सीधा पहला स्टॉप आएगा 393 किलोमीटर के बाद भुसावल जंक्शन, और उसके बाद इगतपुरी, उसके बाद डायरेक्ट CSMT मुंबई। तो स्टॉप्स के मामले में यही तो खासियत होती है भाई दुरंतों की, ये स्टॉप्स बहुत कम होते हैं। तो भाई आप लोगों की शिकायत रहती है कि लोकोमोटिव नहीं दिखाया, तो ये देख लो लोकोमोटिव WAP-7, हमें तो पता था यही लगा होगा, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम पीछे से आगे आ गए ताकि आपको लोकोमोटिव दिखा दें। ये रहा अपना लोकोमोटिव WAP-7 लगा हुआ है। तो बिल्कुल निर्धारित समय से जो है हमारा डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से। नागपुर से चलने के बाद से ही अपनी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार चल रही है, और अभी कुछ ही देर में जो है सेवाग्राम जंक्शन का स्किप भी दिखाने वाले हैं। बहुत समय हो गया यार, मैंने कुछ नहीं देखा, आपको भी दिखवाते, मजा आएगा। और दुरंतो से स्किप अल्टीमेट मजा होता है। बता दें इस दुरंतो में 1st, 2nd, 3rd AC के अलावा स्लीपर क्लास के भी कोचेस हैं। तो अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल करना चाहते हैं इस दुरंतो में तो वो भी अवेलेबल है, बट ये है कि उसमें टिकट्स इजीली नहीं मिलते हैं, और बाकी AC में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं बनेरा जंक्शन, और बस 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकी ही थी और वापस से सिग्नल हो गया और हम लोग निकल चुके हैं बनेरा जंक्शन से भी।
स्टॉप ही नहीं है भाई, दुरंतो इसी बात की तो है। नागपुर रेलवे स्टेशन पे ही हम सोच रहे थे कि खाना वगैरह और पैक करवा लेते हैं, बट उस टाइम भूख नहीं लगी तो पैक नहीं करवाया। अब भूख लग रही है, लेकिन दिक्कत ये है अब बज रहा है रात का 11:30, ट्रेन में तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता और स्टेशन पे ये कहीं रुक नहीं रही है। अब आएगा 1:20 पे भुसावल जंक्शन, हम इंतज़ार करते हैं कहीं ऐसे ही स्टॉप हो गई, कहीं हॉल्ट मिल गया इसको सिग्नल की वजह से, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। भाई साहब मतलब लेट रहे हैं तो अगर सोने की कोशिश करें तो सो भी नहीं सकते, इतनी अब भूख लग रही है। आज तो भाई से गड़बड़ हो गई है। अपन लोग भुसावल पहुंचने वाले हैं, अब तो अपन आज पूरी रात सो ही नहीं है, अभी करीब 1:30 बज चुका है और ट्रेन भी लेट हो चुकी है, बल्कि 1:41 हो गया है, 20 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है। और अब तो भुसावल स्टेशन पे ही अगर कुछ मिल गया खाने को तो बस वही आखिरी उम्मीद है, नहीं तो भाई अब तो सो जाएंगे फिर हम। ठीक है, बस आने वाला है भुसावल जंक्शन। शेड्यूल टाइम से करीब 25 मिनट की देरी से अपन आ चुके हैं भुसावल जंक्शन। अब जल्दी से देखते हैं यार खाने पीने को कुछ व्यवस्था करनी है, भूख लग रही है अब तो यार बहुत जोर से, रात का 2:45 बज रहा है। क्या एग बिरयानी होगी क्या? एग बिरयानी क्या करना है? नहीं एग बिरयानी है क्या? वेज ना? नहीं एग बिरयानी। एग? हाँ एग क्या होता है? अंडा। अंडा नहीं, वो अंडा नहीं है, वेज है मेरे पास। अच्छा ये कितने का पड़ा? कितने कितने प्लेटों में? एक चटनी अलग दो क्या इसमें डाल दो? डाल थोड़ी सी डालना ज़्यादा। हाँ सर ये क्या है? कैमरा कैमरा। भाई हम सोच रहे थे एक बिरयानी मिल जाती बट वो तो नहीं मिली, लेकिन ये बड़ा मिल गया है। चलो कुछ तो मिला यार, मतलब ये खा लेते हैं। और हाँ सिग्नल हो गया तो पहले डिपार्चर देख लेते हैं। अपन ने बड़ा खा लिया है, टेस्ट ठीक ठाक था और मतलब भूख इतनी जोरदार थी, जब मिर्ची भी खा गए हम संग में, अब चिपचिपाहट लग रही है, अब मिर्ची लग रही है, अब बस जाएंगे पानी पियेंगे और सोएंगे, क्योंकि अब तो ट्रेन का स्टॉप है नहीं, अब सुबह रुकेगी सीधे 5:00। कहाँ पर? इगतपुरी पे। तो वहीं पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अब तक 2-2.5 घंटे सो लें भाई, थोड़ा रेस्ट कर लें, है ना, पानी पी के हम सोने जा रहे हैं, मिलते हैं सीधा इगतपुरी। एक और चीज़, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इगतपुरी के बाद पता है ना क्या है, कसारा घाट सेक्शन, मानसून सीजन में मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, तो स्किप मत करना। और एक ये पता नहीं क्या रात भर से नाटक चल रहा है, अंदर फ्लश होता है और यहाँ आवाज आती है, देखो हुआ पता नहीं ये क्या, ये पाइप है इसमें से आवाज आ रही है, रात भर से ऐसी पटाखे चलना है। यार ना अभी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है कि कसारा घाट बिल्कुल शुरू होने वाला है, इगतपुरी अपन लोग पहुंचने वाले हैं, इगतपुरी से पहले ही अभी ट्रेन रुकी हुई थी, अब चल भी चुकी है और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बढ़िया बादल वगैरह और थोड़ा पानी भी गिर रहा है, बहुत शानदार मौसम हो रहा है। अब जल्दी से थोड़ा उजेला हो जाए और हम सोच रहे हैं इगतपुरी पे और थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाए ट्रेन, वैसे भी थोड़ा लेट ही चल रही है, 20 मिनट 10-15 मिनट और सही, कम से कम जो सेक्शन है वो पूरा उजेले में तो दिखा पाएंगे ना, और बहुत अल्टीमेट होने वाला है।
और यहाँ पर बगल में ये खड़ी हुई है पंजाब मेल, आज ये भी लेट हो गई है। तो समय से करीब 45 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग इगतपुरी, और पानी है ना यहाँ पे भी बरस रहा अच्छा भला, और मुंबई में इतना टाइम काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है, काफ़ी सारी ट्रेन भी कैंसल्ड हैं, तो अब देखते हैं इसी वजह से अपन भी लेट हो गए हैं। और अभी हमने देखा वहाँ ट्रैक्स वगैरह पर भी पानी भरा हुआ था, आगे का रूट देखते हैं कैसा होने वाला है। अब ऐसी प्रायोरिटी दुरंतो एक्सप्रेस की, मतलब दुरंतो बगल में खड़ी है और आप पहले पंजाब मेल को निकाल रहे हैं। यार अभी चाय वाले दिख रहे थे जाने कहाँ पीछे चले गए, मौसम इतना शानदार हो रहा है, बिल्कुल ठंडक हो रही है अच्छी, मतलब एसी में जितनी अंदर सर्दी थी उससे ज़्यादा बाहर लग रही है। चाय वाला मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा, क्या मौसम बढ़िया अल्टीमेट यार। लेकिन भग गए जाले जाने कहाँ, उधर चले गए स्लीपर में घुस गए सबरे चाय वाले, जी नहीं आ जाए इधर भाई साहब, एसी वालों को भी तो चाय पीनी होती है। ये एक चाय देना, तो फाइनली जो है अपन को चाय मिल गई है। और कैमरे के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, अभी चाय ली उसका कैमरा मोड़ रहे थे दूसरे हाथ से, उस पर ध्यान रहा नहीं तो बस क्या हुआ हाथ पे फैल गई चाय। तो ये कहो थोड़ी ठंडा कहनी तो बहुत ज़्यादा जल जाते, अभी भी जलन मच रही है थोड़ी। पियेंगे चाय उसके बाद हाथ धोएंगे अंदर जाके ट्रेन में, लेकिन चाय बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, अब आगे जो घाट सेक्शन है वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए अंकल फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है इगतपुरी से, डिपार्चर हो गया है अपना, और एक घंटे की देरी से अपन निकल रहे हैं इगतपुरी से। और अच्छी बात तो यह है कि अभी हमको पता चला यहाँ पर कि काफ़ी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही थी कल, मतलब इगतपुरी आके कैंसिल हो रही थी, इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट आज थोड़ा मौसम सही है मुंबई में, इसलिए ट्रेन कैंसिल नहीं हो रही हैं। और पंजाब मेल को अभी निकाला गया, मतलब 3-4 घंटे की देरी से वो भी चल रही थी, और देखते हैं मुंबई अपन कितनी देरी से पहुँचते हैं। थोड़ी सी चली और फिर रुक गई है, मतलब ये सीन हो गया है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ट्रेन को चलाया जा रहा है। अब आगे भी और ट्रेन होंगी, अभी पंजाब मेल चल रही है और उसके आगे भी और ट्रेन हो सकती हैं, इसी वजह से जो है समय लग रहा है, धीमे धीमे ट्रेन को निकाला जा रहा है। और 2 घंटे यहाँ पे अभी अपन लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, अब पता नहीं और कितनी लेट होंगे। और अभी मतलब घाट सेक्शन अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हो पाया और बार बार ब्रेक लग जा रहे हैं।
भाई अभी तक के सेक्शन में कितना खूबसूरत था, पूरा आपको दिखाया है। और जब अब यहाँ पर ऐसा मौसम है, बारिश हो रही है, सब कुछ है, तो मुंबई में कैसा होगा? वो तो मुंबई पहुँच के पता चलेगा। और जहाँ तक है मैंने न्यूज़ वगैरह देखी है, बहुत ज़्यादा पानी है। अब देखो एंटर करेंगे थोड़ी देर में मुंबई और उसके बाद पता चलेगा। और अभी अपन करीब 2 घंटे की देरी से चल रहे हैं। लोग पार कर रहे हैं कल्याण जंक्शन और मात्र 1 मिनट के लिए रुकी यार, मतलब जब तक हम गेट से उतरे शॉप वगैरह देखी हमने, चलो कुछ खा लेते हैं, सुबह टाइम है, भूख लगने लगी है। कितना बज गया टाइम बताया आपको? 9 बज रहा है अभी। चलो ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, कुछ बड़ा पाव वगैरह अगर मिल जाए, कोई मुंबई तो आ ही गए हैं, मौसम भी बेहतरीन है, लेकिन उतने में सिग्नल हो गया यार। तो देखते हैं और कहीं रुकती है आगे तो फिर लेते हैं कुछ खाने पीने। और मुंबई की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तेज पानी, और तेज पानी के साथ साथ रेस। तो 2.5 घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। और भाई जब सफ़र की बात करें तो ट्रेन का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन क्या करें मौसम ऐसा था, इस चक्कर में ट्रेन अपनी 2.5 घंटा लेट हो गई। तो अभी अपन रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर कोई भी RT-PCR टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ तक कि मतलब कोई थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है जब भी आप आ रहे हैं मुंबई अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। और जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पूरी रात सोए नहीं, मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोए हैं ना, तो जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो भाई साहब
किसका इंतजार है, सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी बेहतरीन बेहतरीन जर्नी आपको दे रहे हैं काय के लिए, है ना, तो सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर से भाई अपनी इंस्टा आईडी है भाई साहब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपडेट्स वहाँ पर पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में।